नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 फरवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रमिक भाई बहनों के लिए बिहार सरकार की योजना। आज से शुरू होने वाली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी ध्यान दें। अब ठेकेदार ई बालू चालान में नहीं कर सकेंगे कोई गड़बड़ी। प्रदेश में किसानों के लिए खुलेगा कॉल सेंटर। एटीएम से कैश निकालते वक्त नहीं निकले हैं पैसे तो करना होगा ये काम। टीम इंडिया की गिरफ्त में है रांची टेस्ट, चौथे दिन बनाने होंगे 152 रन। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए निकली भर्ती। वैसे युवा जो बैंक में नौकरी करने की चाह रख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2024-25 के अप्रेंटिस के लिए 3000 पदों पर भर्ती आई है। आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2024 से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार nats.education.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए उम्मीदवारों से 800 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें इस आवेदन के लिए 600 रुपये देने होंगे। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपये वेतन के रूप में दिए जाएंगे। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश में किसानों के लिए खुलेगा कॉल सेंटर। अब राज्य में कॉल सेंटर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए खोला जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन कृषि विभाग की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के 2/3 नौजवानों को कृषि की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। नव युवकों को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए लागत से ज्यादा आमद के बारे में विस्तार से किसानों को बताना पड़ेगा। वहीं चौथे कृषि रोड मैप को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने को उन्होंने बड़ी चुनौती बताई है। उन्होंने बताया कि आईटी और सोशल मीडिया के जरिए कृषि के नई तकनीकों और कृषि का एक लाभकारी व्यवसाय है, इसके बारे में नव युवकों को बताना होगा। श्रमिक भाई बहनों के लिए बिहार सरकार की योजना। प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के लिए आईपीआरडी बिहार के सोशल मीडिया एक्स पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़ने और जन्म से मृत्यु तक कई योजनाओं से संबंधित पोस्ट शेयर किए गए हैं, जहां बताया गया है कि श्रमिक जन्मे राजमिस्त्री, पेंटर, हेल्पर, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, मनरेगा श्रमिक आदि कई लोग शामिल हैं। इनके हित के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के मातृत्व लाभ, विवाह सहायता, मृत्यु अनुदान, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, विकलांगता पेंशन आदि शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ श्रमिक वर्ग से जुड़े लोग जरूर उठाएं। इन सबसे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप bocw.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रुति झा के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई टेलीविजन शो में अपनी प्रसिद्धि पाई है। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में आज के ही दिन वर्ष 1986 में हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध टीवी शो में काम किया, जिनमें कुमकुम भाग्य, शौर्य और सुहानी, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती, भवा और बालिका वधु शामिल है। टीवी शो के साथ साथ ये कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें साल 2020 में आई यू टर्न शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड, स्वर्ण पुरस्कार आदि शामिल है। आज से शुरू होने वाली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी ध्यान दें। सक्षमता परीक्षा आज से शुरू है। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे केंद्र पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जरूर पहुंचे। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि हो सकता है। वहीं रंगीन प्रिंट आउट निकाले गए एडमिट कार्ड पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का साइन करवा कर इसे लेकर केंद्र पर पहुंचे। केंद्र के दौरान जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई है। कदाचार रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा के आधे घंटे पहले किसी भी हाल में केंद्र पर पहुंचना होगा, नहीं तो अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके सीट पर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर अपने रोल नंबर और पासवर्ड को दर्ज कर लें, फिर आपका नाम और रोल नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। एटीएम से कैश निकालते वक्त नहीं निकले हैं पैसे तो करना होगा ये काम। कैश की जरूरत पड़ने पर अक्सर हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम से पैसे निकालते वक्त कई बार ऐसा होता है कि कैश बाहर निकलते भी नहीं और पैसे कट जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक
यदि किसी ने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है और उनके पैसे नहीं निकले हैं और अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक को ट्रांजैक्शन होने के 5 दिन के अंदर तक अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं। हालांकि कई बार ऑटो रिवर्स होकर अमाउंट 24 से 48 घंटे में भी आपको अकाउंट पर मिल जाता है। यदि 5 दिन में रिटर्न नहीं होते हैं तो बैंक को हर दिन के 100 रुपये हर्जाने के रूप में आपको देने होंगे। हालांकि ट्रांजैक्शन करते वक्त ऐसा नहीं होता, लेकिन यदि कभी ऐसा होता है तो ट्रांजैक्शन की रसीद को संभाल कर रखें और कस्टमर केयर से संपर्क करके इसके बारे में बताएं। साथ ही इसकी शिकायत अपने ब्रांच में भी जाकर दर्ज करवाएं। सिवान में इस दिन लग रहा रोजगार मेला, चयनित युवाओं को 18,000 रुपए तक मिलेंगे वेतन। वैसे युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार के सिवान जिले में निबंधन सह परामर्श केंद्र पर रोजगार मेला लग रहा है। ये रोजगार शिविर 29 फरवरी को आयोजित होगा, जहां 514 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। इसका आयोजन सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 4 बजे तक होगा, जहां 8 मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी। इस रोजगार मेले में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए जरूरी है कि युवाओं ने NCS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। भाग लेने वाले युवाओं के लिए जरूरी है कि उन्होंने कम से कम 12वीं पास की हो। इसमें शामिल होने वाले युवा जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, अकेडमिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा साथ जरूर लाए। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए वेतन दिए जाएंगे। अब ठेकेदार ई बालू चालान में नहीं कर पाएंगे कोई गड़बड़ी। कई बार ठेकेदारों द्वारा बालू घाटों से निर्गत ई बालू चालान में गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो कई बार एक ही चालान की फोटो कॉपी करवाकर उसके इस्तेमाल का मामला सामने आता है। लेकिन अब इन गड़बड़ियों को सरकार गंभीरता से ले रही है। दरअसल मुख्य सचिव आमिर सुब्बहानी द्वारा एक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है, जहां ये तय हुआ है कि चालू घाट से जारी होने वाले ई चालान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए वाटर मार्क पेपर पर ही अब जारी किए जाएंगे। जिलों को ये पेपर अब विभाग अपने स्तर से मुहैया करवाएगा। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 से ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। बिहार के हर प्रखंड में बनेगा स्विमिंग पूल, जानिए क्यों। बिहार में कई बार बाढ़ के कारण जान माल की काफी क्षति होती है, लेकिन प्रदेश सरकार बाढ़ से बचाव के लिए कई राहत कार्य करती है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाने की खबर सामने आई है। इस स्विमिंग पूल में उस प्रखंड के सभी आयु वर्ग के लोगों को तैरना सिखाया जाएगा, ताकि वे बाढ़ के दौरान तैरकर खुद का बचाव कर सकेंगे। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान जो बढ़िया तैराकी करेंगे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। ये स्विमिंग पूल 25 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे। इसमें महिला पुरुष के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपदा प्रबंधन ने भवन निर्माण विभाग को इसके निर्माण के संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद नक्शा और प्राकलन तैयार होने के बाद इसके स्वीकृति का इंतजार है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का यहां देखिए आंसर की। देश भर के सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है। अब इस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसे आप इसके आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/aisse पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आंसर की के साथ साथ OMR और परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए आंसर का रिस्पांस भी जारी किया गया है। ये 27 फरवरी 2024 तक ही उपलब्ध रहेंगे। आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आंसर की चेक कर सकते हैं। वहीं रेस्पॉन्स शीट से संबंधित कोई भी गड़बड़ी लगे तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपको 100 रुपये प्रश्न के हिसाब से शुल्क जमा करने होंगे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे तुतला भवानी झरना के बारे में। ये बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये झरना माँ तुतला भवानी मंदिर के स्थित होने से लोग इसे तुतला भवानी झरना के नाम से जानते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है। यहाँ के मनोरम नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। शहर के प्रदूषण और शोर शराबे से दूर यह स्थान घूमने के लिए सबसे बढ़िया है। इस झरने और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेने कई लोग पहुँचते हैं। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। 39 अफसर प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में 2 मार्च तक करेंगे निरीक्षण अभियान। प्रदेश के विद्यालय और कॉलेजों में सोमवार से शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में तैनात 39 अफसर निरीक्षण के लिए जाएंगे। इसके लिए सभी अफसरों को KK पाठक के निर्देश पर अलग अलग जिला भी आवंटित किया गया है। ये निरीक्षण अभियान आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलने वाला है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में जिन भी 39 अफसर को ड्यूटी में लगाया गया है वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के भी अफसर हैं। 2,000 रुपए के नोट को लेकर RBI ने दी बड़ी जानकारी। 2,000 रुपए के नोट को अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बाहर किया जा चुका है।
आपको बता दें कि 2000 का ये नोट वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुआ था, लेकिन 2000 के नोट को सिस्टम से बाहर करने के बाद आरबीआई ने लोगों से अपील की थी कि इसे वापस कर दे, लेकिन केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि अभी भी पूरे नोट सिस्टम में नहीं हटाए गए हैं। आपको बता दें कि 97.5% नोट 31 जनवरी 2024 तक वापस आए हैं और अभी भी 8,897 नोट मार्केट में ही है। इसे जमा करवाने की डेडलाइन के बाद भी लोगों ने इसे वापस नहीं किया है। प्रदेश के इन जिलों में वज्रपात या मेघ गर्जन की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बारिश के साथ साथ तेज ठंडी हवा और गरज की भी संभावना है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से इस महीने ठंड बढ़ने के आसार हैं। आईएमडी बिहार मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि आने वाले 27 फरवरी को प्रदेश में रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और गया जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में आवेदन का आज आखिरी दिन। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आज बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे ₹750 लिए जाएंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग को इस भर्ती के लिए ₹200 ही देने होंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों की बढ़ी उपस्थिति। शिक्षा विभाग आए दिन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरत रहा है। इस सख्ती और लगातार स्कूल में हो रहे निरीक्षण को लेकर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। आपको बता दें कि निरीक्षण कार्य स्कूलों में जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। 1 जुलाई के निरीक्षण में जब रिपोर्ट आए थे तब उसके मुताबिक 34.19% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से अधिक थी और 75% से कम थी। लेकिन 3 जनवरी 2024 के निरीक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 60% से अधिक बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 67.60% थी। वहीं लगभग 7 महीने में उपस्थिति दोगुनी हो गई है। जिले के 75,309 स्कूलों में फरवरी में निरीक्षण किया गया है, जिसमें सबसे अधिक पटना जिले के 3,489 स्कूलों में 60% से अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक 70% की वृद्धि हुई है। रेलवे स्टेशन पर ऐसे उठाए फ्री वाईफाई की सुविधा। आज के समय में हमारे लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। बिना इंटरनेट के बाहर जाने पर हमारे कई कामों में बाधा आ सकती है। ऐसे में यदि आप रेलवे के जरिए कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप रेलवे स्टेशन पर फ्री इंटरनेट का लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले आपके फ़ोन के वाईफाई को ऑन करना होगा। इसे ऑन करते ही ऑप्शन में आपको रेल वायर नेटवर्क दिखाई देगा। इस पर आने के बाद आपको रेल वायर पोर्टल पर जाना होगा। फिर यहाँ railwire.co.in ब्राउजर टाइप करें, फिर अपने मोबाइल नंबर को डालें। OTP आने के बाद इसे कनेक्ट कर लें, फिर आप फ्री वाईफाई की सुविधा उठा सकेंगे। हालांकि अभी भी कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। पटना में अत्याधुनिक तारामंडल समेत इन दो चीज़ों की लोगों को मिलेगी सौगात। लंबे समय से बंद पड़ा तारामंडल अब कई नई तकनीकों के साथ तैयार हो चुका है। यहां पर अब आने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा मानो आप तारों और चंद्रमा व मंगल के बीच चल रहे हों। बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इसका खूब आनंद ले सकेंगे। आपको बता दें कि कई नई तकनीकों से लैस तारामंडल के साथ साथ बिहार के लोगों को 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच दो और नई सौगातें मिलने वाली हैं। दरअसल PMCH को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की तैयारी में 4 नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। दिन में OPD, मल्टी लेवल कार पार्किंग, ब्लड बैंक और गर्ल्स हॉस्टल भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश करने वाले हैं। इसके साथ ही यहां ग्रीन ग्रिड का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित शंकु के आकार से 31 मीटर ऊंचा बापू टावर भी पटना के गर्दनी बाग में बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ बापू की जीवनी, शिक्षा आदर्शों और उनके प्रेरणा स्रोतों से संबंधित कई चीजें देख सकेंगे और सीख सकेंगे। तेजस्वी ने मंत्रिमंडल विस्तार और शिक्षा विभाग को लेकर सीएम नीतीश पर खड़े किए सवाल। तेजस्वी यादव ने अपने जनविश्वास यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में बनी NDA की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है। दो मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इन 9 लोगों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने KK पाठक और स्कूल की टाइमिंग के विवाद को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी सीएम नीतीश ने कहा था कि स्कूल के समय में बदलाव किया जाएगा,
लेकिन तब भी उनकी बात नहीं मानी गई। ये कितना गंभीर मामला है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सीएम की बात कोई अधिकारी ना माने। सम्राट चौधरी ने कहा आने वाले 10 दिनों में बिहार को मिलेगा 2,00,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ। बीते ही दिन मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड पर पीएम मोदी नजर आए। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और नमो ड्रोन दीदी के बारे में बात की। इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में बैठे लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। वैसे तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं, प्रचार में नहीं, लेकिन आज उन्हें बताना है कि अगले 10 दिनों में एक बार फिर से पीएम मोदी 2,00,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंदर 1,000,000 करोड़ रुपए की योजनाओं और रेलवे के 70,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की बात बताई। तेजस्वी पर मांझी ने कसा तंज। तेजस्वी यादव इन दिनों अपने जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश के साथ साथ पीएम मोदी पर भी खूब तंज कसा है। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही अपने 17 महीने के कार्यकाल में किए गए कामों की भी चर्चा कर रहे हैं। अब इसी के बाद हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई बजट सत्र छोड़कर भाग गया हो और बाहर जाकर इधर उधर की बातें कह रहा हो। ये कह रहा है कि हम 17 महीने में सब कुछ किए हैं। उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है क्या? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग था कि उनको 5 विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए उसका भी 12 न्यारा होगा, कौन क्या गलत किया है। आगे उन्होंने कहा कि एक मंत्री कहे कि 17 महीने में हमने ये कर दिया है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मूर्खता और अज्ञानता कहा जा सकता है। टीम इंडिया की गिरफ्त में है रांची टेस्ट। चौथे दिन बनाने होंगे 152 रन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के 353 रनों के सामने भारत की पहली पारी तीसरे दिन 307 रनों पर सिमट गई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते उतरी और 145 रन बनाकर ढेर हो गई। टीम इंडिया को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत ने बिना कोई विकेट खोए 40 रन बना लिए हैं। चौथे दिन भारत को जीत के लिए 112 रन और बनाने हैं। भारत के हाथ में 10 विकेट है। रोहित शर्मा 24 और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए यहाँ से जीतना कठिन होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल बजट संसद में पेश किया था। आज के दिन वर्ष 2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत लक्ष्मण गोखले का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ था। आज के दिन वीर सावरकर स्मृति दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1896 में गोपाल स्वरूप पाठक का जन्म हुआ था, ये एक राजनेता थे। आज के दिन वर्ष 1908 में लीला मजूमदार का जन्म हुआ था, जो पेशे से लेखक थी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे एआई की मदद से किसान आंदोलन के लिए बनाए गए तस्वीर के बारे में। आज के समय में हम डिजिटल रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे अब कई ऐसे काम हैं जो बड़ी ही आसानी से एआई की मदद से हो जाते हैं, लेकिन एआई हमारे लिए जितना ही मददगार है, इसके गलत इस्तेमाल से ये उतना ही हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। इन दिनों देश में बड़े स्तर पर किसान आंदोलन देखने को मिल रहा। किसान आंदोलन से संबंधित कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एआई से कुछ तस्वीरें क्रिएट कर दिए हैं। कई बार तो तस्वीरें अपने फायदे के लिए भी बनाई जा सकती हैं, ताकि शांतिपूर्वक से हो रही चीजों को भड़काया जा सके या भ्रामक तस्वीर से लोगों को भड़काने का काम किया जा सके। इसलिए यदि आपको कोई भी ऐसी भ्रामक तस्वीर देखने को मिल रही जिससे मामले उग्र या हिंसात्मक हो सकते हैं, तो ऐसे चीजों पर पहले विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये एआई से जनरेट किया गया हो। पीआईबी ने भी एआई से जनरेट की जा रही भ्रामक तस्वीरों से सावधान रहने की नसीहत दी है। एक्टर विवेक ओबेरॉय ने सुशांत सिंह राजपूत के इस वजह से की चर्चा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में विवेक ओबेरॉय एक जाने माने हस्ती हैं। अभी हाल में ही इन्होंने रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने मुश्किल दौर की बात की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की है। विवेक ने बताया कि सुशांत की ही तरह उन्होंने भी खुद को खत्म करने के बारे में सोचा था, क्योंकि वे अपने लाइफ के डार्क फेज में चले गए थे। उन्होंने बताया कि मुश्किल दौर में वे अपनी माँ के पास जाते और माँ के गोद में अपना सर रख कर सोते और कई शिकायतें करते और रोते, लेकिन इस दौरान उनकी माँ उन्हें समझाती। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा। उनके साथ उनका पूरा परिवार था जो उन्हें संभालता था।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, कहाँ पर एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भारत और किस देश के बीच अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है मोतिहारी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है रक्सौल, ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर है वाराणसी। बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बोधि वृक्ष, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है मछली। इसका सही उत्तर है बोधि वृक्ष। बिहार में मानसून कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है अरब सागर से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन सी है हिंद महासागर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी से। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, अमरजीत कुमार, पूनम कुमारी, राजीव कुमार, लवकुश कुमार, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, गौरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार यादव, सादुल्ला पालवी, श्याम नारायण झा, रवि कुमार राम, शुभम कुमार, रामजीत कुमार, गोनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।